जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक शिष्य संघ के तत्वाधान में जैन तीर्थ स्थली दादाबाड़ी में मंगलवार को भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस उत्सव में भक्तजनों की शशि प्रभा जी महाराज साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ के तत्वावधान में जैन तीर्थ स्थली दादाबाड़ी में मंगलवार को भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस उत्सव में भक्तजनों को शशि प्रभाजी महाराज साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस दौरान महाराज साहब ने प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों में धर्म प्रभावना की। तो मुझे पूछा है कि साधु जी आप क्या करते हो? आप परमात्मा को आत्मा आप अपने अंतिम चलाकर जिसको कहते हैं, जिसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा अंतिम चलाकर होती है ना, तो अपने यहाँ मंत्रों के द्वारा, उच्चारण के द्वारा, इसके द्वारा, आराधना के द्वारा परमात्मा को, परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो मेरे को उन्होंने पूछा, साधु जी आप बुला सकते हो, आपके गुरु भगवान का आत्मा को बुला सकते हैं सिद्ध अवस्था में? मैंने कहा सर मैं आपको क्या जवाब दूँ, आप बड़े, मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं आपको इतना सही पूछना चाहती हूँ कि द्रव्य प्राण चुकी करेगी। दादाबाड़ी में महाराज साहब की धर्म सभा समाप्ति पर भक्तजनों ने मूल नायक भगवान महावीर स्वामी मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की। परमात्मा महावीर स्वामी जन्म कल्याणक में शामिल जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार जैन ने कहा कि श्वेतांबर जैन समाज के भक्तों ने जोर शोर से भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाया है। आज परमात्मा महावीर जिनके शासन में हम जैन अनुयायी रह रहे हैं, 2622 में जन्म कल्याणक का दिन है। मैं सभी जैन अनुयायियों शहरवासियों को परमात्मा के जन्म कल्याणक की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। वास्तव में परमात्मा ने अपने सांसारिक जीवन के अंदर ऐसे बहुत से कार्य किए और बताए जो आज 2622 वर्ष बाद भी प्रासंगिक हैं। हमें परमात्मा को मानना है, वहीं उससे ज़्यादा हमें परमात्मा के बताए हुए सिद्धांतों पर चलना है, जिसमें जियो और जीने दो, अहिंसा परमात्मा के प्रमुख सिद्धांतों में थी। हमारे अंदर करुणा का भाव होगा, यदि करुणा होगी तो हम, यदि एकेंद्रीय छोटे जीव के प्रति भी करुणा होगी तो हम पंचेंद्रीय जीव की तरफ जब जाएंगे तो हमारे अंदर करुणा का भाव होगा। आज महावीर भगवान का जन्म कल्याणक उत्सव है और इस उत्सव में हम लोग हर्ष और बड़े प्रसन्नता से मना रहे हैं इसको। और महावीर भगवान का संदेश था जियो और जीने दो, तो सबसे पहले तो हमें अपने इसमें अपने आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए और हम लोग बहुत हर्षपूर्वक से महावीर जयंती मना रहे हैं। भगवान महावीर का 2622वां जन कल्याणक महोत्सव बड़ी धूमधाम से यहाँ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। अभी साधु श्री जी का प्रवचन हुआ है और उसके बाद आप महावीर स्वामी मंदिर में जन कल्याणक पूजा तत्पश्चात स्वधर्मी वत्सल का आयोजन है। भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक उत्सव में शहर भर से भक्त शामिल हुए। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।